उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होंगी, ये सब हमें इस वीडियो में, इसके कुछ आगे जाने वाली वीडियोज हैं उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। तो फिर पहले सिंपली हम कॉन्वेक्स सेट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट होता है जो उस सेट में से अगर हम कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहें तो एक हम सीधी लाइन लें और उस सीधी लाइन के थ्रू हम उसी बिना उस एरिया से, जो बिना से जो सेट दिया हुआ है, बिना उस सेट से बाहर निकले हुए सीधे हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएं, तो उस तरह का जो सेट होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। जैसे फिर से एक सर्किल आया हमारे पास, ये सर्किल है। अब सर्किल में हमें इस पॉइंट से इसे किसी पॉइंट पर जाने की कोशिश करें तो हम सीधे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे सीधे आ सकते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट है। सपोज आ स्क्वायर, ये स्क्वायर है हमारे पास फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इसमें हम किसी एक पॉइंट से इसके इस पॉइंट से यहाँ पे जाना चाहे, यहाँ पे जाना चाहे कहीं भी जाना चाहे, इस एरिया में कहीं भी जाना चाहे हम, तो वो वहाँ से हम सीधे बिना बाहर जाए पहुँच सकते हैं, बिना इस स्क्वायर के बाहर जाए हुए हम पहुँच सकते हैं। तो ये भी हमारे पास है कॉन्वेक्स सेट रहा। अब सपोज ट्रायंगल, तो फिर ट्रायंगल में अगर हम जाना चाहें तो ट्रायंगल में इस पॉइंट से हम इससे किसी पॉइंट पे भी जा सकते हैं, ये भी एक कॉन्वेक्स सेट रहा। अब फिर सपोज हम एक स्टार की बात करें, इस तरह की एक आकृति की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से इसको यूं। अब ये एक स्टार है हमारे पास, इस स्टार में अगर हम जाना चाहें तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम सीधे जा सकते हैं, तो सीधे जा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं होगा फ्रेंड्स हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट प्रूव हो गया, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा तो सकते हैं। बट अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहें तो हम हमारे पास अगर स्टार के अंदर होकर जाना है तो हमें इस तरह से जाना होगा, यानी कि एक सीधी लाइन नहीं है। और अगर हम सीधी लाइन के थ्रू जाना चाहेंगे, सीधी लाइन के थ्रू हम इस तरह से जाएंगे और सीधी लाइन के थ्रू जाएंगे तो हम इस स्टार से बाहर हो गए हैं, इस स्टार के बाहर से होकर जाना पड़ रहा है हमें। तो इस कंडीशन में कहेंगे तो स्टार जो है वो ये जो एरिया है स्टार के अंदर वाला, ये नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब फिर इसी तरह का क्वेश्चन एक गेट 2021 में आया था। उसमें हमारे पास कुछ आकृतियां दी हुई थी और उसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। और जो उसमें हमारे पास जो आकृतियां थी उसमें शायद मुझे कंफर्म याद नहीं है, ट्रायंगल था, इस तरह से ट्रायंगल था, स्क्वायर था, एंड साथ में एक आकृति ये थी हमारे पास, और पूछा था कौन सा इसमें से कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो उस इस आकृति को अगर हम देखें ना ध्यान से, तो यहां से और यहां पे अगर हम जाना है तो हमें यूं जाना होगा इस तरह से। तो फिर अगर सीधे जाना चाहें जाने की कोशिश करेंगे तो हम इससे बाहर होकर जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सेट है हमारे पास नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, नॉट कॉन्वेक्स। तो ये हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर था। अब कॉन्वेक्स सेट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स सेट को मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो हमारे पास रहा ग्राफिकली, जब हमारे पास एक ग्राफ दिया हो उस कंडीशन में हम कॉन्वेक्स सेट किस तरह शो कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा हर सेट पे ग्राफ दिया हो, कहीं हो सकता है 2D में तो हम आराम से चेक कर सकते हैं, 3D 4D में हम किस तरह से चेक करेंगे कि वो सेट जो है वो कॉन्वेक्स है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let S be a non-empty set. तो S जो है वो non-empty set है। अगर फिर से empty set हो, S अगर empty set है तो उस condition में हम S को हम क्या कहते हैं, वो convex set है। तो empty set को हमने convex set माना है। ये ट्रेवल ही होता है अगर S ये non-empty set है, उसमें एक point होगा एक से ज्यादा होंगे। And let X1 and X2 are टू पॉइंट ऑफ एस।
अगर फ्रेंड्स एस में हमने टू पॉइंट लिए एक्स वन एंड एक्स टू, अगर एस में ओनली एक ही पॉइंट हो, एस जो सेट है वो उसमें ओनली एक ही पॉइंट हो एक्स वन, तो उस कंडीशन में भी वो कॉन्वेक्स सेट होगा, क्योंकि एक पॉइंट जो सिंगल पॉइंट जो होगा, सिंगल पॉइंट पे हम लाइन सेगमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंगल पॉइंट जो पॉइंट होता है वो एक कॉन्वेक्स सेट माना जाता है। अब फ्रेंड्स यहां पे हमने ले लिया लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट एक्स वन एंड एक्स टू आर टू पॉइंट ऑफ एस, और एक्स वन और एक्स टू नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं बनता, सिंपली दो अलग पॉइंट है एक्स वन एंड एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। Then S is said to be convex. तब S को हम convex कहेंगे, कब कहेंगे? Lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to S for all lambda belongs to 0, 1. यानी हमारे पास जो पॉइंट है x1 और x2 के लिए जो भी पॉइंट थे उनके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, लैम्ब्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एस, जहाँ पे लैम्ब्डा जो है वो जीरो और वन के बीच में कोई नंबर है। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हम लाइन सेगमेंट का इक्वेशन भी कहते हैं, ये इक्वेशन जो होती है लाइन सेगमेंट होती है। अब ये इस अगर एक्स वन और एक्स टू जो है हमारे पास टू डी के अलावा थ्री डी में फोर डी में फिफ्थ डी में जितने भी डी में है एन डी में है, तो उस कंडीशन में भी हम एक लाइन सेगमेंट उसमें से क्रिएट करते हैं, और वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो जो सेट है एस जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। अब फिर हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, कुछ पहले इसकी थ्योरम्स पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट टू बी कॉन्वेक्स। यानी हमारे पास दो कॉन्वेक्स सेट है तो उनका अगर यूनियन लें तो वो जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स हो। इसको हम सिंपली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, लेट एक्स वन जो है हमारे पास सॉरी एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स सेट, एस वन और एस टू जो है हमारे पास टू कॉन्वेक्स सेट है। अब फ्रेंड्स कॉन्वेक्स सेट कौन कौन से हो सकते हैं, सपोज एक ग्राफिकली सिंपल दे रहे हैं हम, हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट ये सर्कल है और एक कॉन्वेक्स सेट ये सर्कल है, ये हमारे पास दो कॉन्वेक्स सेट है एस वन एस टू। तो अब हमारे पास इसका यूनियन कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये हम कैसे शो करेंगे, क्योंकि तो एस वन अब लेट कोई हमारे पास इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया एक्स वन और यहाँ ले लिया एक्स टू, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो सर्कल जो होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है, ज्योमेटिकली हमने बता दिया था और मैथमेटिकली हम उसको प्रूव भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे उनमें मैथमेटिकली बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम प्रूव करेंगे कि कोई भी हमारे पास सेट है उसको हम किस तरह से कॉन्वेक्स सेट शो कर सकते हैं। अभी तो हम सिंपली यहाँ शो कर रहे हैं कि यह कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब इसका यूनियन ये है हमारे पास, यूनियन तो पूरा ही यूनियन पार्ट रहा था, यूनियन में तो ये पार्ट है पूरा हमारे पास, तो अब यहाँ से इसका यूनियन में दो पॉइंट को मिलाते हैं तो हमने मिलाया तो हमारे पास ये क्या पॉइंट है, तो फिर से लाइन है जो यूनियन से बाहर चली गई, तो हम कह सकते हैं जो एस वन यूनियन एस टू इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। उसको और भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एस वन और एस टू पे ही, एस वन और एस टू पे हम कैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स, सपोज एस वन जो है वो है हमारे पास एक्स एक्सिस, एस वन जो है वो ये एक्स है। अब इस ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, क्यों कॉन्वेक्स है फ्रेंड्स, इस लाइन से इस लाइन किसी पॉइंट को मिला लो तो इसी लाइन पे होके जाना होगा हमें, तो ये एक्स वन जो है एक्स जो है कॉन्वेक्स है और एस टू है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स है क्योंकि यहाँ से यहाँ किसी पॉइंट को कहीं से मिला लो लाइन पे रुक जाना पड़ेगा। ये हमारे पास एस वन और एस टू एक एक्स एक्सिस ले लिया एक वाई एक्सिस ले लिया। अब हम इस
इसका यूनियन क्या है हमारे पास, S1 यूनियन, S2 का यूनियन जो है वो हमारे पास होगा, ये तो ये लाइन और एक ये लाइन, इन जो लाइन जो पॉइंट आ रहे हैं उनका यूनियन, यानी कि जीरो X1 एंड जीरो, X belongs to natural number, so real number, and zero and y belongs to real number. ये हमारे पास उनका यूनियन जो हो गया वो हो गया X, zero, union, zero, y. ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे X एंड y belongs to real number. अब हम एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, सपोज इसको ले लिया हमने जीरो एंड वन, इसको ले लिया हमने वन एंड जीरो. अब ये दोनों यूनियन के पॉइंट है, क्योंकि जीरो और वन जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और वन एंड जीरो होगा जो यहाँ पे आ जाएगा, तो इनके यूनियन में ये पॉइंट है. बट अब इस पॉइंट पे हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएं तो ये लाइन सेगमेंट से मिला दिया. अब लाइन सेगमेंट से इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, जैसे इसका मिडिल पॉइंट ले लें इस लाइन का, तो वो होगा हमारे पास वन अपॉइंट टू, ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस, सॉरी ना तो वाई एक्सिस पर है ना एक्स एक्सिस पर. तो ये हमारे पास जो सेट हुआ वो इसका यूनियन जो हुआ वो कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ. अब सेकंड थ्योरम पे चलते हैं फ्रेंड्स. सेकंड थ्योरम लेते हैं, वो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट. इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट. इन दो कॉन्वेक्स सेट है उनका इंटरसेक्शन अगर हम लें तो वो कॉन्वेक्स सेट होगा. तो हम इसको प्रूव करते हैं. प्रूफ, लेट S1 एंड S2 आर टू कॉन्वेक्स सेट, नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट, नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट. ये हमने ले लिया कि S1 और S2 है जो वो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट है, एंड S1 इंटरसेक्शन S2 शो करता है इसका इंटरसेक्शन है. नाउ सपोज X1 एंड X2 आर टू आर्बिट्री पॉइंट्स, टू आर्बिट्री पॉइंट्स ऑफ X1 इंटरसेक्शन S2, यानी X1 और X2 जो है वो इस इंटरसेक्शन के कोई दो पॉइंट है. अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो अब हमें शो करना है कि लेमड़ा X1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा X2 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 फॉर वेयर लेमड़ा बिलोंग्स टू 0 1. अब हमें ये शो करना है कि लेमड़ा X1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा X2 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, वेयर लेमड़ा जो है 0 और 1 के बीच में लाइज करता है. तो हम पहले हम शो करेंगे ये इसको किस तरह शो कर सकते हैं. S1 जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स सेट है. तो S1 चूंकि S1 इज कॉन्वेक्स सेट, S1 जो है वो कॉन्वेक्स सेट है फ्रेंड्स हमारे पास. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, और इंटरसेक्शन के पॉइंट है S1 और S2 के, जो इंटरसेक्शन में हमने दो पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट लिया X1 और X2, तो चूंकि इंटरसेक्शन में है तो वो S1 में भी होंगे. S1 एंड X2 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 इंप्लाय X1 बिलोंग्स टू S1 एंड X1 X2 बिलोंग्स टू S1 एंड X1 X2 belongs to S2, यानी X1 X2 जो है वो S1 में भी है, X1 X2 जो है वो S2 में भी है. अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास X1 X2 belongs to S1 एंड X1 X2 belongs to S2. तो चूंकि S1 जो है वो क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स सेट है. तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन से हमने कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यही था हमारे पास, लैम्डा X1 प्लस 1 माइनस लैम्डा X2 belongs to S1. तो यहां से हमारे पास हो गया लैम्डा X1 प्लस 1 माइनस लैम्डा X2 बिलोंग्स टू S1, क्योंकि S1 जो है वो कॉन्वेक्स सेट है. और साथ ही हमारे पास यहाँ से हो गया लैम्डा X1 प्लस 1 माइनस लैम्डा X2 बिलोंग्स टू S2 फॉर, जहाँ पे लैम्डा है वो बिलोंग्स टू 0 टू 1 है, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट है S2 भी कॉन्वेक्स सेट, S1 भी कॉन्वेक्स सेट.
तो हमारे पास यहाँ से आ गया लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स वन एंड लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स टू। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्स वन में भी है और एक्स टू में भी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। तो यहाँ से हमने लिख दिया लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, एस वन इंटरसेक्शन एस टू है इम्प्लाई कर गया कि वो कॉन्वेक्स सेट है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एस वन दो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761। एवं कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।